हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो क्या चल रहा था कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा। अब जब नोटिफिकेशन आ गया तो बच्चों के साथ दिक्कत होना शुरू हो गया गाइस। तो सबसे पहले जो दिक्कत आ रही है कि सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कुछ सजेशन बताइए। मतलब अगर मैं किसी और स्टेट से अप्लाई करता हूँ तो जो मेरा स्टेट का सर्टिफिकेट है वो एज अ जनरल काउंट होगा या फिर एज अ ओबीसी काउंट होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है। तो इन सभी के लिए, वीडियोस के लिए, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, डेली अपडेट पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे गाइस। देखो सबसे पहली बात ये क्या है, आपकी सेंट्रल की पोस्ट है, बट इसमें भी क्या है, स्टेट वाइज वैकेंसी आई है गाइस। मतलब सर्कल वाइज आई है और सर्कल में भी आपकी स्टेट वाइज ही वैकेंसी है। तो देखो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है ओबीसी के लिए। ओबीसी मतलब जो क्रीमी लेयर है उनके लिए तो प्रॉब्लम अलग बात है, जो नॉन क्रीमी लेयर जैसे हम जैसे बच्चे, हम जैसे कैंडिडेट है। अब जैसे सपोज मैं दिल्ली से हूं तो मेरा तो क्या है, सेंट्रल का बना हुआ है, बट जैसे सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा से है, राजस्थान से है, यूपी से। अब उनका वहां पे सर्टिफिकेट जो बन रखा है वो उनके स्टेट के हिसाब से क्या ओबीसी का बना हुआ है गाइस। तो अब अगर आप जैसे राजस्थान वाले बच्चे गुजरात स्टेट से बढ़ते हैं, तो अब गुजरात के अगर उनकी जो कास्ट है या मतलब उनका जो रिलीजन है, मतलब जो कास्ट है, वो क्या गुजरात में ओबीसी में आती है नहीं आती है, वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले काम क्या करिए, आप क्या करिए, एक सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लिए। मतलब उसमें लिखा हुआ है 1 तारीख के अप्रैल, 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला होना चाहिए गाइस। तो आप जरूरी है कि अभी अभी आप फॉर्म भरोगे इसके अंदर नहीं मांगा जाएगा कि आपकी ओबीसी की डिटेल, नहीं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले बनवा लेना। तो 15 से 20 दिन लगते, से ज्यादा लगते हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा, सेंट्रल का फॉर्मेट का तो आता है ना, वो बनवा लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। क्योंकि अदरवाइज क्या करेंगे, वो एज अ जनरल काउंट करेंगे आपको। अगर अदर स्टेट में अगर आपकी कास्ट अगर है वहां पे, अगर उसके अंदर लिस्ट के अंदर, क्योंकि अगर आप जाओगे डाटा सारा ऑनलाइन पड़ा वहां पे, चेक कर लेना। अगर आप अप्लाई करने भी जाओगे तो वहां पे आपको बता देगा गाइस। तो आप क्या करना, जो सेंट्रल फॉर्मेट का जो होता है ना ओबीसी सर्टिफिकेट, वो आप बनवा लेना, ताकि आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो गाइस, ठीक है। अब आते ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो देखो गाइस, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो सेंट्रल फॉर्म में ही, फॉर्मेट में ही बनता है आपका गाइस, ठीक है। तो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए और वही होता है ईडब्ल्यूएस के। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम क्या होगी, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 2023-24 तक इनकम सर्टिफिकेट अगर आप दिखाओगे तभी तो आपका ईडब्ल्यूएस का बनेगा ना। तो 2000 मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला आपका होना चाहिए, और ये तब चाहिए जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तब आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओबीसी से रिलेटेड और आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से। कोशिश करना जल्द से जल्द बनवा लेना, जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट होता है उसी में आपका होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा के आईडी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।